फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर के बाद और काफ़ी इंतज़ार के बाद भर्तियां शुरू हो चुकी हैं उत्तराखंड में बैक टू बैक। तो आज एक और भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, जहां पे आप देख सकते हैं ये भर्ती है एलटी ग्रेड की, जहां पर सहायक अध्यापक एलटी की कुल 1430 पद आए हुए हैं। सभी के बारे में हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं जैसे सबसे पहले और जो फॉर्म्स की रिलीजिंग डेट है, आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2020 है, और जो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे वो आपके भरे जाएंगे 19 अक्टूबर से, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 4 दिसंबर 2012, यानी कि काफ़ी इन्होंने लंबा समय दिया है, यानी कि सभी को मौका बराबर देने की है। देखते हैं बाकी फॉर्म कितने आते हैं। उसके अलावा जो परीक्षा तिथि है वो है अप्रैल माह में 2021 में, यानी कि 2 अप्रैल 2021 में इसकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपके पास इसको इसकी तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो उसके अलावा हम आगे डिटेल में बात करते हैं कि इसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कैसी कैसी इसमें सीट है। तो सबसे पहले इसमें दो मंडल में, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग भर्ती निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक कुमाऊं में 60% की जो सीधी भर्ती है सामान्य शाखा में है, तो सामान्य शाखा में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक की जो भर्ती निकली हुई है सब्जेक्ट वाइज निकली हुई है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो हिंदी की है आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर आपके रिक्त पद दिए हुए हैं और वहाँ पे क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक आप देख सकते हैं अंग्रेजी, देन हिंदी, संस्कृत अध्यापक, विज्ञान, तो ये सब है। उसके अलावा आप गढ़वाल मंडल में महिला में आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक हिंदी, अंग्रेजी, तो ये सारी डिटेल दे रखी हैं, जिसे आप जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मेन पॉइंट्स पर आएंगे जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा जो मेन है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद पर केवल महिला ही भर सकते हैं, लेकिन सामान्य शाखा में महिलाएं और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी 60% सामान्य, 60% महिला विभागीय, 10% सामान्य तथा 10% कोटे के महिला आरक्षण के अनुसार सीट भरी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा सारी ये चीज़ें हैं। वेतन लेवल आप देख सकते हैं लेवल 7 की है। उसके अलावा जो पद का स्वरूप है आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक है। बाकी एक के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें मान लीजिए सहायक अध्यापक अगर आप हिंदी के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप मैथ के लिए हैं तो आपके लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए आपके, या फिर उसमें गणित या भौतिकी या फिर इससे कोई एक होना चाहिए। उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको B.Ed होना चाहिए। उसके अलावा B.Sc. B.Ed या फिर इस तरह से इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके ओके फ्रेंड्स, इसमें इसके अलावा एक चीज़ और ये कहा गया है कि अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक यानी एलटी पद हेतु नियुक्ति चयन तो UTET 2 या फिर CTET 2 की परीक्षा होती होना अनिवार्य है। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, जो एक दो होती हैं, TET 1 TET 2, इस तरह से UTET और CTET 2 होता है, तो उसमें से आपको ये उत्तीर्ण होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ सारी डिटेल है, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने की डेट हमने आपको बता दी और फॉर्म कब से चालू होंगे वो भी हमने आपको बता दी। 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, तो भरिए। उसके अलावा हम स्पेशल अलग से वीडियो इसके लिए जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे।